This is it. I promise. This sunset ke saath Lakshmi Bai ki zindagi ka bhi sunset kar dunga. Usse aisa tadpa tadpa kar maarenge ki wo bolegi, mujhe maar do. Please maar do mujhe. Aur main sunset ka wait karunga. She will die today. Jhansi ka waris aayega. Lakshmi Bai leke aayegi jhansi ke waris. अरे कहाँ जा रही हो? जाओ यहाँ से। लक्ष्मी बाई लेके आएगी झांसी के वारिस को। झांसी का वारिस आएगा। देखो देखो मौत नाच रही है, मौत नाच रही है, देखो। उसकी लाठी में आवाज नहीं आती, उसकी लाठी में आवाज नहीं आती। गार्ड, निकालो उसे। जाओ यहाँ से। झांसी का वारिस आएगा। अरे जाओ बाहर जाओ, निकलो। झांसी का वारिस आएगा। लक्ष्मी बाई लेके आएगी उसे। लक्ष्मी बाई। अरे वो छुड़ाएगा तेरा। Now, if you want to finish Lakshmi Bai, we need to go over the rules of the game. What? We need to catch her alone and unaware, in a vulnerable state. She must be completely alone for us to attack her. Maharaj, ये आग इन धूर्त फिरंगियों ने ही लगाई है, और यदि हमने इस समय अपने बल का प्रयोग किया, तो हम अपनी प्रजा का विश्वास खो बैठेंगे। स्थिति से निपटने के लिए और भी रास्ते हैं महाराज। क्षमा कीजिएगा महाराणी साहिबा, ये विद्रोही गंवार अशिक्षित और उजट हैं। यदि इस समय हमने उनके साथ में विनम्र भाषा का प्रयोग किया, तो ये लोग इसे हमारी कमजोरी समझकर हमारे सर पर चढ़ने की चेष्टा करेंगे। आज इन्होंने चनेऊ पहनने की जरूरत की है, कल ये धार्मिक कर्मकांडों में ब्राह्मण समाज को धकेल कर स्वयं अग्रिम पंक्ति में आने की चेष्टा करेंगे। राज्य की कानून व्यवस्था धराशायी हो जाएगी महारानी। सेवक की तुच्छ राय ये है महारानी कि इनमें से एक आध विद्रोहियों को पल पूर्वक आम जनता के सामने चौराहे पर फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। फांसी से बड़े बड़े भय खाते हैं प्राण दंड। ये छोटी जाति के लोग हैं, कायर, छिप जाएंगे, दुबक जाएंगे। और ऐसी स्थिति में यदि फिरंगी भी चाहें तो इन्हें बहका नहीं सकते महाराज। क्षमा कीजिएगा, परंतु हम ये उचित नहीं समझते। किसका संदेश है? महाराज, शंकर लोहार जनेऊ की समस्या को लेकर आपसे शांति वार्ता का इच्छुक है, और साथ ही उसने यह भी निवेदन किया है कि वो आपसे टीले पर मिलना चाहता है। आपसे ही उसने अनुरोध किया है कि आप निशस्त्र और अकेले ही आए, किसी सैनिक बल के साथ नहीं। ये तो ठीक है,
परंतु उसने ना शस्त्र ना सैनिक लाने का आग्रह क्यों किया? ऐसे में महाराज का जाना उचित नहीं होगा। ठीक है, हमारे जाने का प्रबंध किया जाए। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या हम जा सकते हैं? नहीं लक्ष्मी, ऐसे अवस्था में हम आपको महाराज, आप महारानी साहिबा ठीक कह रही हैं। इस समय आपका वहां जाना उचित नहीं है। महारानी साहिबा जाएंगी तो झांसी की जनता में सकारात्मक संदेश जाएगा। सारी प्रजा महारानी साहिबा को बहुत चाहती है, इसलिए आप महारानी साहिबा को ही जाने दें। मुझे पूरा विश्वास है महाराज कि महारानी साहिबा की हर बात लोग सहर्ष स्वीकार करेंगे, और यदि आपकी आज्ञा हो तो सुरक्षा की दृष्टि से ये सेवक महारानी साहिबा के साथ जाना चाहेगा। महाराज, हमारे जाने की तैयारियां की जाए। विश्वास कीजिए महाराज, आपकी लक्ष्मी बाई को ऐसी स्थिति से निपटना आता है। लक्ष्मी, हमें अपने आप से अधिक आप पर विश्वास है। आपने तो बिठूर से अंग्रेजों को भगा कर यह सिद्ध कर दिया, परंतु न जाने क्यों मन विचलित हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आप पास होकर भी दूर जा रही हैं। हमारी प्रजा हमें सचमुच बहुत चाहती है। हम इस समस्या का समाधान करके शीघ्र ही लौटाएंगे और संध्या का भोज साथ ही करेंगे। हमें आशीर्वाद नहीं देंगे। हम संध्या तक वापस आ जाएंगे, परंतु हमारे लिए एक पल सदियों की तरह लगेगा। Oh,
शंकर भैया, शांति वार्ता के लिए महारानी साहब स्वयं आ रही हैं। महाराज, महारानी साहब को ऐसे हालात में भेजना उचित नहीं था। प्रजा का विश्वास। नरसिंह राव जी, महारानी हर विषम परिस्थिति से निपटने में और स्वयं की रक्षा करने में सक्षम है, और वैसे भी राव दुलाजू उनके साथ है ही। क्षमा कीजिएगा महाराज, मुझे राज दुलाजू पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। उनके सोचने का ढंग बड़ा ही आक्रामक और उग्र है। आश्चर्य की बात तो यह है कि एक तरफ वो विद्रोहियों को फांसी पर चढ़ाने का आपको परामर्श दे रहे हैं, अब वो शांति वार्ता के लिए सहमत हो गए। महाराज, मैं स्वयं झांसी का निरीक्षण करके आ रहा हूं। नगर के हालात ठीक नहीं है। विद्रोही राजसी परिवार को अपना शत्रु मानने लगे हैं। उनके आक्रोश का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो महल से जुड़े कर्मचारी तक को अपना निशाना बनाने लगे। हमें इसमें षड्यंत्र क्यों हुआ? महाराज, महाराज, हमें तो लगा था कि हमारी यहाँ प्रतीक्षा हो रही होगी। ये लोग तो आप लोगों को भ्रम हुआ है, हम यहां शांति वार्ता के लिए आए हैं। चूल्हे में गई तुम्हारी शांति और मिट्टी में गई तुम्हारी वार्ता। देखो, देखो क्या हाल क्या है तुम्हारे उस निर्दयी झांसी के राजा ने हमारा। हाँ, तुम अब भी शांति चाहती हो? बोलो। उस दो मुहे सांप को तो मैं बाद में कुछ लूंगा, लेकिन पहले पहले मैं तुझे मारूंगा।
हमने वादा किया था उसे निभा दिया। राजा खुद आ रहा था, पर हम रानी को लेकर आ गए। Nice work. लेकिन जब तक लक्ष्मी बाई का काम तमाम नहीं हो जाता, तुम यही रहोगे। बुआ केली सौ पर भारी है। कौन जीतेगा ये भी तय नहीं हो पाएगा, इसलिए रुको। क्या कहा था? लगता है तुम्हें लक्ष्मी बाई का ताकत का अंदाजा नहीं है। Now go. उनका पीछा करो और मार डालो उन्हें।